इन दिनों छोटी काशी मंडी में श्रावण मास महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है और चारों तरफ ओम नमः शिवाय के स्वर गूंज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जूना अखाड़े के सन्यासी महंत राजेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों मंडी के पडल मैदान में स्थित सिद्ध भद्रा मंदिर में जन कल्याण और विश्व शांति के उद्देश्य से खड़ेश्वरी साधना में लीन है और ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं। महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि वे जन कल्याण और विश्व शांति के उद्देश्य से हठ योग कर रहे हैं। इससे पहले वे काशी में भी यह साधना कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे इस साधना के दौरान 41 दिनों तक 24 घंटे निरंतर खड़े रहेंगे और ईश्वर की आराधना करेंगे। इसके साथ ही वे फलाहार और अपनी दैनिक क्रियाएं निरंतर खड़े रहकर ही करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हठ योग का वर्णन प्रदीपिका ग्रंथ में किया गया है और गुरु मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ को हठ योग का प्रमुख माना जाता है। आपको बता दें कि महंत राजेश्वरानंद सरस्वती के हठ योग का समापन 6 सितंबर को होगा और 7 सितंबर को पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मैं महंत राजेश्वरानंद सरस्वती जूना अखाड़े से हूँ। माता सिद्धभद्रा मंदिर पड्डल में 41 दिन 24 घंटा खड़ा रहकर मैं खड़ेश्वरी हठ साधना कर रहा हूँ जन कल्याण और विश्व शांति के लिए। यह 28 जुलाई से प्रारंभ होकर 6 सितंबर तक चलेगा और 7 सितंबर को भंडारा एवं पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा और जिसमें मैं फलाहार रहकर और निरंतर 24 घंटे खड़ा रहकर और जन कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और यह हठ योग तपस्या कोई नई तपस्या नहीं है, यह काफ़ी प्राचीन हिंदू संस्कृति की ये साधना है और इसके प्रमुख आचार्य गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छिंद्रनाथ को माना गया है और हठ योग प्रदीपिका में इसका विवरण है इसका, इसलिए और अनादिकाल से इसको हमारे सिद्ध महात्माओं ने और नाथों ने शैव संप्रदायों के महात्माओं ने करते आए हैं और इसका उल्लेख ऐसा मिलता है कि अंत में बौद्ध धर्म वालों ने भी यह तपस्या हठ योग को अपनाकर अपनी तपस्या को जारी किया था।